नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पक्ष में ग्राम बिरवाल में आम सभा को संबोधित किया तथा कांग्रेस को जिताने की अपील की। सिंधिया ने कहा, हमारे दम में एक शकुनी मामा हुआ है और एक कंस मामा और अब कलयुग में शिवराज मामा हुआ है जो सबको मिटाना चाहता है। ग्राम बिरवाल में कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के समर्थन में आज हुई महती चुनावी सभा में 25 मिनट के अपने धारा प्रवाह भाषण में कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन में होगा किसानों का कर्जा माफ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा मात्र 10 दिन में माफ किया जाएगा, बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे, इसी तरह बिजली की मोटर को 5 हॉर्स पावर मानकर बिल लिया जाएगा, मंडी टैक्स आधा कर दिया जाएगा। इससे पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी दत्ती गांव ने संबोधित किया। सभा समाप्ति से पहले सिंधिया ने सभा में मौजूद करीब 10,000 से अधिक लोगों को कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए हाथ उठवाकर संकल्प दिलाया। उज्जैन के कुंभ को भ्रष्टाचार के कुंभ में परिवर्तित कर दिया, भगवान को भी नहीं छोड़ा इन भाग भाइयों ने। मटका खरीदा गया कुम्हार के घर से नहीं, ऑटो पार्ट डीलर से 400 रुपये में, 1600 रुपया का एक मटका, 1000 करोड़ का कांड। और जो बड़े छाती ठोक के कहते हैं कसम गीता की कि हम मंदिर वहीं बनाए, तारीख नहीं बताएंगे। बिरवाल से पंकज कुमार गुजराती की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।